हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। और आप सोच रहे होंगे मेरा बुरखा क्यों पहना है और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हम जा रहे हैं इस्लामपुर मार्केट अम्मी के लिए शॉपिंग करने। वो इद्दत के बाद की शॉपिंग, जो कपड़े होते जो होते नहीं, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं अम्मी के लिए। सब सामान लेने हैं, चप्पल कपड़े चूड़ी लत्ते सब चीज़ जो भी लेना है आपको उसे। और मैं दोपहर से अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ गाइस, और मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में पता नहीं क्या हो गया है, उसकी कमेंट ऑफ हो जा रही है बार बार। मतलब मैं बार बार ऑन कर रही हूँ, वो ऑफ हो जा रही है। अगर आपको किसी को इस चीज़ के बारे में मालूम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं सही कर लूँगी। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बता। निकल गए हैं, हम जा रहे हैं अपनी भाभी के साथ। भाभी बैठी, तो आ गई है हमारी बहन भी। हम ये मार्केट आ गए हैं। भीड़, इतनी भीड़ है यहाँ बहुत। मतलब जब भी आओ यहाँ पर भीड़ ही मिलती है गाइस, जब भी आओ यहाँ पर भीड़ ही मिलती है। बहुत क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है पर मौसम अच्छा हो रहा है यहाँ पे। देखो मतलब यहाँ पर बहुत सही रेट में मिल जाते हैं कपड़े, अच्छे रेट में। इतनी भी हील नहीं है, सही है, सही है चप्पल अम्मी के लिए। तो ले लो, क्या प्राइस है भैया इसके? तो ले लिए हमने अम्मी के लिए चप्पल। ये देखो खाने लगी। अम्मी के लिए चप्पल ले ली है, अच्छी लग रही है ब्लैक कलर में, उनको पसंद आएंगी अम्मी के लिए चप्पल। और अभी सूट लेना बाकी है, पसंद नहीं आ रहा कोई सूट, अच्छा ही नहीं लग रहा। ये वाला अच्छा लगा है कुछ थोड़ा अम्मी के लिए। तो अब हम देख रहे हैं अम्मी के लिए इधर से सूट कौन सा बाहर एक टंग रहा है ना, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा पसंद आया उनके लिए। मतलब गर्मी इतनी हो रही है ना, तो विदाउट अस्तर वाला उनके लिए चाहिए, कॉटन में, अस्तर में नहीं चाहिए उनको, गर्मी बहुत लगती है। तो इसलिए मतलब यहाँ पर जो है ना एकदम सही रेट में, सही रेट में कपड़े मिल जाते हैं सारे। मतलब कपड़े मतलब सबसे अगर किसी मार्केट से अगर कंपेयर करो ना, तो यहाँ पर सूट के मामले में बहुत अच्छी मार्केट है, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े सब मिल जाते हैं। तो सब और सबको सबके बजट के हिसाब से ही मिल जाती है, बजट के हिसाब से मिलती है। सही है भैया, लगा लो, इतने सब लगा लेते हैं। नहीं मॉल में भी आपको पता है डिस्काउंट। तो ये सूट लिया है अम्मी के लिए, अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। मम्मी का रुक जाए, एक्सचेंज अगर करना चाहें तो। नई शॉप खुली है आई थिंक भैया, न्यू शॉप है ना आपकी? न्यू शॉप है ना, न्यू शॉप है भैया की। तो गाइज यहाँ पर सराफ मार्केट में न्यू शॉप खुली है सुनार वाली गली में, तो आपको अगर लेना हो तो यहाँ पर आके ले सकते हैं, अच्छी शॉप है। यहाँ पर कपड़े भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और रेटेबल में है, सारे सस्ते मिल जाएंगे। और यहाँ पर सारी वैरायटी चीज़ डेली है, अच्छी मार्केट है। मतलब किसी मार्केट से अगर कंपेयर करो तो ये अच्छी मार्केट है। तो ज़्यादातर सूट वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और बार्गेनिंग भी यहाँ पर सही कर लेते हैं लोग। अल्लाह तो अस्तकुरल्ला। हाँ भैया ब्लॉग कितने रुपए मीटर है? 100 रुपए मीटर। ये नए नए सब्सक्राइबर मेरे भाई बने हैं अभी, इन्होंने सब्सक्राइबर भाई सब कर देना सब्सक्राइबर, लाइक कमेंट शेयर। यार
यार थका दिया तुमने तो सही में, भूख अलग से लग रही है मुझे, इनकी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है, थक गई हूँ इतनी। मैंने दोपहर भी खाना भी नहीं खाया, हाँ नहीं तो ऐसे निकल कर आ गई मेरी, भूख लग रही है इतनी तेज की। इधर लड्डू मिलते हैं ना, लड्डू खाऊंगी गाइस। टाइम वेस्ट करना है बस इनको, कुछ लेना नहीं है। और ये इंशा के लिए वाइट कलर का कपड़ा लिया है, फ्रॉक के लिए 15 अगस्त के लिए, 15 अगस्त के लिए सूट के लिए इसने फ्रॉक के लिए कपड़ा लिया है 15 अगस्त के लिए बना कर फ्रॉक बनवाएगी 15 अगस्त के लिए। उसके लिए अब दुपट्टा भी चाहिए, 15 अगस्त वाला दुपट्टा अच्छा लगता है मुझे बहुत। ये देखो खाते हुए चल रही है, मुझे इतनी तेज की भूख लग रही है, मैं घर से कुछ खा के भी नहीं आई दोपहर में, ऐसे आ गई। और इनको कुछ लेना नहीं है, सिर्फ सब्जी है, पूछती फिर रही हैं, थका रही हैं बेफालतू में। अम्मी के लिए कपड़े ले लिए, अभी चूड़ियाँ बाकी हैं और अभी उनके लिए पायल बाकी है। क्या हुआ? तो ये चूड़ी मिल रही है, सेम है, अच्छी लग रही है। आई लव चूड़ियाँ, मुझे बहुत पसंद है चूड़ियाँ। लो भैया कर दो आप, ये पैक कर दो, ले लिया पकड़ो। तो गाइस खा लो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने इनसे बोला मुझे कुछ खिला दो, मुझे लड्डू खाने। तो मैंने इधर लेकर आ गई ना खींच के, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी ना, गुस्सा आ जाता है, इनको बोल देती चिल्लाती, फिर बोलते कि चिल्लाती है, गुस्सा करती है। प्यारी प्यारी ज्वेलरी है, कितनी प्यारी ज्वेलरी है। ये देखो गाइस आई लव ज्वेलरी, मुझे झुमकी है बहुत पसंद है, आई लव ज्वेलरी, कितने प्यारे प्यारी हैं, कितने प्यारे प्यारे। मार्केट में आती दिमाग खराब हो जाता है, दिल करता है सभी कुछ ले लो, सभी कुछ खरीद लो, सभी कुछ खरीद लो। ये अम्मी के लिए पायल देख रहे हैं, कौन सी पसंद आई? ये बहुत भारी है, दिख रही भारी है, हल्की लो, हल्की कोई। देश तो तूने आजाद करवाया शायद, बेइज्जती करती रहती है। गजब बेइज्जती है। अभी हो चुकी है हमारी शॉपिंग, हो गई कंप्लीट और अब रिक्शा करके घर जाती हूँ। यहाँ पर बजट में मिल जाता है सब सामान, और मैं यहाँ पर डेली यूज में वाले सूट वगैरह ले लेती हूँ, बाकी जो मेरे मतलब की चीज़ वो यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं यहाँ से कम ही लेती हूँ। पर डेली यूज़ वाले सूट जो होते हैं ना, वो मैं यहाँ से लेती हूँ, वो यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, डेली यूज़ कॉटन के सूट वो अच्छे मिल जाते हैं। और अम्मी की पूरी शॉपिंग हो गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह कि मेरी अम्मी फिर से सब चीज़ पहनेंगी। पायल ले रही हूँ उनकी, प्यारी प्यारी पायल, उनके कपड़े इतने अच्छे हैं, उनकी चप्पल इतनी अच्छी माशाल्लाह। तो मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, और सबको करना चाहिए। फाइनली घर पर आ गई हूँ मैं, पूरी शॉपिंग करके हमारी पूरी शॉपिंग हो गई है। मैंने आपको ब्लॉग में दिखा तो दिया क्या क्या लिया है, बट एक बार तसल्ली से आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। ये सूट देख सकते हो, ये मेरे अम्मी के लिए लिया था, बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही कॉटन सॉफ्ट है और डेली यूज में पहन सकते हैं, गर्मी में भी, मतलब अस्तर का नहीं है, अस्तर में अम्मी ने मना कर दिया था, अस्तर का नहीं चाहिए, इसलिए हम विदाउट अस्तर लेकर आए। इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा दुपट्टा है इसका, और लाइट पर्पल कलर है। और ये अम्मी के लिए स्लीपर ली थी, डेली यूज़ में ही पहन सकती हैं और आने जाने में भी, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। तो भाभी ने भी अपनी सेम ऐसी ले ली, कलर अलग है। और ये पाजेब ली थी अम्मी के लिए, ये पाजेब है, बहुत ही प्यारी लगी मुझे पाजेब ये। और अम्मी के लिए ये झाले लिए थे इयर रिंग, बहुत प्यारे लगे हैं, अम्मी को भी पसंद आया सब चीज़। और ये चूड़ी ली है, चूड़ी भी बहुत प्यारी लगी मुझे सूट के,
मैचिंग की, तो बहुत प्यारी चुनी है और ज़्यादा वर्क नहीं है, ठीक है, डेली यूज़ में पहन सकती हैं। तो गाइस फाइनली आपको सब चीज़ें मैंने दिखा चुकी है, सारा सामान दिखा चुकी हूँ और सब चीज़ें मेरी पसंद की हैं। और कैसे लगी आपको सब चीज़ें कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और गाइस ऐसे कैसे चलेगा, आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंटें करें और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंटें करो। और उम्मीद करती हूँ लोग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जम के शेयर कर दो। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।